दोस्तों आज हमारे पास है वीवो का Y16 जो कि इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है एंड काफी तगड़ा फोन होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी खासी डिस्प्ले के साथ एक अच्छा खासा डिजाइन भी देखने को मिलता है। प्राइस बहुत ज्यादा इसके कम देखने को मिलते हैं, 9,999 रुपए देखने को मिलते हैं एंड काफी ग्रेटफुल स्पेक के साथ आता है। बॉक्स जैसा कि देख सकते हैं वीवो Y16 की आपको बड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड गोल्डन कलर आपको एक फोन देखने को मिलता है। पीछे आपको इसी फोन के कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में दिए गए हैं, चलिए फटाफट बॉक्स कर लेते ओपन एंड रखते हैं इसको साइड में। ये रखा है हमारा फोन अपने प्रोटेक्शन के साथ में, देखा जाए तो पहले लुक में बहुत अच्छा लग रहा है एंड साथ ही साथ हमें मिलता है इसी फोन को चार्ज करने के लिए 18 वॉट का चार्जर एंड साथ ही साथ इसमें आपको टाइप सी केबल का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बैक कवर का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे बैक कवर तो होना ही चाहिए था। ये सबको रखते हैं साइड में, बढ़ते अपने फोन की फर्स्ट लुक की तरफ। तो गाइस ये रहा हमारे पास वीवो का Y16 जो कि पहले लुक की बात की, ब्लैक कलर देखने में लग रहा है काफी तगड़ा फोन देखने में, कलर क्वालिटी की बात की तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा देखने में लग रहा है एंड डिजाइन बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा इसकी अच्छी लगी। कैमरा डिजाइन भी बहुत ज्यादा यूनिक सा ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कैमरा लेआउट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। बैक एंड फ्रंट में आपको कॉर्निकुलर ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है एंड बैक में आपको एक प्लास्टिक फ्रेम का देखने को मिलता है, साइड फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है एंड साइड माउंटेड इसमें आपको फिंगरप्रिंट सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरा डिजाइन का बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड जो ये ब्लैक कलर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा देखने में लगा है, काफी शाइनिंग बैक देखने को मिलता है। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी वीवो की बहुत ज्यादा अच्छी लगी मेरे को एंड काफी बढ़िया सा डिजाइन बिल्ड क्वालिटी देखने में लग रहा है। चलिए फटाफट इसी फोन कर लेते हैं बूट एंड इसके फुल स्पेक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों फोन हो गया मेरा बूट एंड फोन देखने में काफी ज्यादा अच्छे खासी देखने, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज्यादा शार्प देखने मिले एंड काफी छोटे आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं। वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ ये फोन आता है एंड अगर डिस्प्ले साइज की बात की जाए 6.51 इंचेस की, एक आपको आईपीएस एलईडी का उपयोग किया गया है, 720p का रेवोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है एंड 60 हर्ट्ज की आपको एक रिफ्रेश पैनल सपोर्ट देखने को मिलती है। ब्राइटनेस के अराउंड बात करते हैं तो 50 नट्स का आपको पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी कहीं से भी कोई कमी नहीं लगी, डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इसकी अच्छी खासी यूज की गई है एंड काफी ब्राइट डिस्प्ले साथ ये फोन आता है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इसमें जो प्रोसेसर लगा इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P35 एक 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा है एंड साथ ही साथ जो सीपीयू लगा इसमें आपको ऑक्टा कोर का सीपीयू लगा है, ठीक ही ठाक है। अगर मैंने सब देखा तो इस प्राइस में आपको इनफ, अगर 9,999 में आपको P35 देखने को मिलता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, बट अगर 12,499 में जो आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल का जो ऑप्शन देखने को मिलता है उसमें आपको P35 ना होना चाहिए। तो कहा कि इस प्राइस में बहुत सारे अलग ब्रांड्स हैं जिसमें आपको अच्छे खासे प्रोसेसर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, प्रोसेसर क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा लो देखने को मिलती है एंड अगर रैम की बात की जाए 4GB रैम 64GB इंटरनल से आपको 1GB रैम का एक्स्ट्रा रैम सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी अप टू 5GB रैम हो जाएगा 64GB इंटरनल के साथ आता है। एंड्रॉइड की बात की एंड्रॉइड 12 पे सपोर्ट देखने को मिलता है, फंटच की बात करें तो आपको ग्लोबल फंटच ओएस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। प्रोसेसर में थोड़ी सी बस क्वालिटी की यहाँ जो P35 इनको जी का सीरीज देनी चाहिए थी जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे कैमरे की बात है, जो कैमरा लेआउट जिसने काफी अच्छे से कैमरा को डिजाइन किया गया, कैमरे की बात की इसमें 13 मेगापिक्सल प्लस आपको 0.2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है जो कि ठीक ही ठाक है। फ्रंट में आपको एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। तो चलिए इसी फटाफट इसी फोन से कुछ इमेज को कैप्चर करते हैं, इसके डिटेलिंग को देखते हैं। गाइस ये रहा हमारा पहला लुक अगर कैमरे की बात की तो कैमरा जैसा कि देख सकते हैं काफी अच्छी खासी आपको इमेज देखने को मिलती है रियर कैमरे से एंड काफी आपको यूनिक एक आपको शार्पनेस एंड काफी अच्छे खासे आपको डायनेमिक रेंज भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी लो लाइट में देख सकते हैं काफी ज्यादा आपको ब्लिंकिंग देखने को मिलता है और थोड़ी सी कंडीशन अगर फोटो की बात की तो बहुत ही नॉर्मल देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा आपको हाईटेक नहीं देखने को मिलता, एवरेज आपको फोटो देखने को मिलता है। साथ में आपको पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है एंड मोर एंड वीडियो रिकॉर्डिंग 720p 1080p आपको 30fps की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। हाँ तो मुझे इनको 60fps तक देनी चाहिए, 720p आपको डेफिनेटली आपको 60fps की तो रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी, बट यहाँ पे आपको 30fps की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरा भी ठीक ही ठाक है बट बहुत ज्यादा आपको एडवांस देखने को नहीं मिलता। अगर अदर कंपनी में देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है। कैमरे परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, डिसेंट कैमरा का उपयोग किया गया है। तो बैटरी की बात की इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी का उपयोग किया गया, बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ में आपको 18W का चार्जर सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपको टाइप सी का चार्जर सपोर्ट है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा देखने को मिलता है। एंड अगर नेटवर्क कनेक्ट की बात की जाए डुअल सिम 4G के साथ आता है, वाईफाई 2G एंड 5G दोनों ही सपोर्ट देखने को मिलता है एंड इसमें ब्लूटूथ 5.1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो कनेक्टिव मामले में झकास है। सिक्योरिटी की बात की जो सिक्योरिटी हमको साइड माउंटेड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ एक AI का फेस लॉक भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर स्टेटस बार की देखें नोटिफिकेशन स्टार बार तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा आपको अपग्रेड देखने को मिलता है ना, होम स्टॉक भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा देखने को मिलता है। एंड गाइस की प्राइस एंड कलर की बात की जिसमें आपको 2 कलर वेरियंट देखने को मिलते हैं, गोल्डन कलर देखने को मिलता है, ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। गोल्डन कलर की मैंने अनबॉक्सिंग कर चुकी है, ये ब्लैक कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। प्राइस की बात की जिसमें आपको 3 वेरियंट देखने को मिलते हैं, 332, 364 एंड 464 का ऑप्शन देखने को मिलता है। 332 आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल आपको 9,999 रुपए देखने को मिलता है, 3GB रैम 64GB इंटरनल आपको 10,499 रुपए देखने को मिलता है एंड साथ ही आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल 12,499 रुपए देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से प्राइस भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा देखने को मिलता है, काफी ग्रेटफुल प्राइस पे लॉन्च किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं मजेदार वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।